जनपद में अलग अलग स्थानों पर हुए चार सड़क हादसों में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर शवों का पोस्टमार्टम कराया है। पहली घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के रमैयाहार के पास की है। यहां नगला पजावा निवासी 55 वर्षीय श्री कृष्ण उत नेत्राम बेलदारी का काम करते हैं। शाम को बेलदारी करके जब वे साइकिल से घर वापस आ रहे थे तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार ने इसको टक्कर मार दी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ उपचार के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराया। क्या नाम है आपका? नीलेश मिश्रा जी, पूरा मामला क्या है? क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पर हुआ है? कितने समय की घटना है ये? 7:30 करीब। आप लोगों को सूचना कितने टाइम पे मिली है? 7:30। अच्छा, ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग खाना खा के कहीं से आ रहे थे दावत। जी, किससे एक्सीडेंट हुआ? ये वही रोड पे हुआ। अरे किससे हुआ है? अब पता नहीं, अज्ञात वाहन ने मार दी। वही दूसरी घटना थाना भुगांव क्षेत्र के ग्राम छाछा की है। यहाँ के निवासी 55 वर्षीय राजेंद्र उर्फ राम बाबू पुत्र वीरपाल सिंह सुबह पैदल जा रहे थे तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने वृद्ध को रौंद दिया जिसमें वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही सूचना परिजनों को मिली परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराया। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, पूरी घटना क्या है? सुबह सुबह भाई निकले थे रोड में, फिर उधर से पीछे से ट्रक वाले ने कुचल दिया। कितने समय की घटना है ये? ये 8 से 8:30 के बीच में है। अच्छा, शाम बहुत देर तो पहचान नहीं पाई किसकी है किसकी है लाश। जब अंग भंग देखे तब पता लगा कि यहाँ राजेंद्र कुमार है। वहीं तीसरा हादसा थाना अलौ क्षेत्र के ग्राम मंचना के पास का है। यहाँ ग्राम मंचना निवासी 38 वर्षीय विजय मिश्रा पुत्र रमेश चंद सड़क पर पैदल जा रहा था तभी उसे किसी अज्ञात वाहन ने रौंद दिया जिससे उसकी भी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया। क्या नाम है आपका? हिमांचल सिंह जी, मामला पूरा क्या है? गाड़ी इधर से जा रही थी, खेत की तरफ से आ रहे थे घर की तरफ, पीछे से मोटरसाइकिल की स्पीड में दो लोग थे और नशे में खूब थे तो पीछे से टक्कर लगी तो 20 फुट दूर जाकर के साइकिल और मोटरसाइकिल और वो तीनों जगह अलग अलग। अच्छा, तो अच्छा, इनकी घटने पे मौत हो गई थी? तुरंत घटना पे ही मौत हो गई। यहाँ 5 मिनट लगे। कितने टाइम की बात है? 6:30 शाम के टाइम। शाम जी। वही चौथा हादसा थाना बेवर क्षेत्र का है। यहाँ बेवर की तरफ से आ रहे अपाचे मोटरसाइकिल सवार जो कि छिबरामू जा रहा था जिसका नाम अरुण बताया जा रहा है उससे सामने से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा हादसा ग्राम रसूलाबाद पुल हाईवे बाई पास का है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के घर पर सूचना देने के साथ ही सबको कब्जे में लेकर सबका पोस्टमार्टम कराया है।